हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी और 41 पार्ट दोस्तों हमने अपडेट कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहां से आप सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हो। तो दोस्तों आज करेंगे हम 42 पार्ट के बारे में डिटेल से डिस्कशन इस वीडियो में, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। एक टाइप से अनटच इनको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स का निचोड़ निकाल के हम वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज दोस्तों हम बहुत ही कम टाइम के साथ जो है 50 प्लस क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रामगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था। जैसे कि दोस्तों गोपालगिरी के दुर्ग से या गोपालगिरी के किले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका करवाया था, तो सेम क्वेश्चन पूछा गया था उसका बलबर ने करवाया था। तो इसका जो सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, चंदेल राजपूतों ने रामगढ़ के किले का। यानी दोस्तों राम की कितनी रानी थी, 5 रानी थी, ऐसे हमने ट्रिक भी बनाई थी। और रामगढ़ का किला और दोस्तों रानीपुर का किला हमारा कहाँ है, पंचकुला के अंदर स्थित है। तो दोस्तों वो ट्रिक के साथ भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा राज्य वन नीति कब बनाई गई। यानी बात की दोस्तों हरियाणा राज्य वन नीति की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, 2006 के अंदर हरियाणा राज्य वन नीति जो है वो बनाई गई थी। बढ़ लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मितथल और बनावाली से किस समय की वस्तुएं चित्रित हुई है। बात की दोस्तों मितथल और बनावाली से, जहां बहुत सारे जो है सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो काफी फेमस है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी दोस्तों, दोनों सैंदवकालीन और सिंधु सभ्यता के जो है मितथल और बनावाली के समय की चित्र वस्तुएं जो है चित्रित हुई है, यहां से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूर्य देव की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। बात की दोस्तों सूर्य देव की मूर्तियों की, और सूर्य में दोस्तों जो है राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, जहां से सारेगामा पादानी की जो है एक इंट भी मिली है, सूर्य देव की मूर्तियां वहां से मिली है। और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां दोस्तों पूछी जाती है, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों उसका आपको रिप्लाई करना है। विष्णु की मूर्ति और यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें जल्द से जल्द बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पिंजौर का मेला कौन से महीने में लगता है। पिंजौर के मेले की बात की गई है, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी दोस्तों, जुलाई में। पिंजौर का मेला पंचकुला के अंदर दोस्तों कब लगता है, सॉरी ये पिंजौर का मेला जो है नहीं है, यहाँ पे दोस्तों आम का मेला कहा गया है, तो पिंजौर का मेला भी दोस्तों इसको बोल दिया जाता है। पिंजौर का मेला जो है जुलाई में के महीने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हरियाणा के कौन से काल में चित्रकला में गिरावट आई। यानी दोस्तों किसके काल में जो है चित्रकला में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई, चित्रकला की जो है कम जो है आकर्षित हुए लोग, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा सी दोस्तों, वैदिक कला में, ठीक है, वैदिक काल या वैदिक कला या वैदिक काल के अंदर जो है हरियाणा के अंदर जो है चित्रकला में गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर छोटूराम जयंती कब बनाई गई है, बनाई जाती है। तो दोस्तों सर छोटूराम, सर की उपाधि किसने दी, कमेंट बॉक्स में बताओगे। हरियाणा डैम के दोस्तों जन्मदाता इनको कहा जाता है, और भी दोस्तों इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, 1 फरवरी को दोस्तों सर छोटूराम जयंती जो है वो मनाई जाती है। दोस्तों जयंतियां जरूर याद कर लें, एक क्वेश्चन आपको जो है लाजमी मिलेगा। अगर आपको ट्रिकली वीडियो चाहिए जयंतियों से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा जो है जरूर बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सदी में हर्ष खुद एक चित्रकार था और उसके पास अच्छे चित्रकार भी थी। दोस्तों यहां बात की गई हर्षवर्धन से जुड़े हुए, और हर्षवर्धन से जुड़ी हुई सारी जितने भी डिटेल से जानकारी है मैंने कवर करवा दी है एक वीडियो में, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, 7वीं सदी में दोस्तों हर्ष खुद एक बहुत अच्छा चित्रकार था, चित्रकारी में काफी निपुण था, और उसके पास जो है बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यहां बात की गई दोस्तों मनसा देवी के मंदिर की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी दोस्तों, महाराजा गोपाल सिंह ने। और दोस्तों मनसा देवी मंदिर है कहाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मंदिर वाली वीडियो हमने बहुत ही ट्रिकी जो है बना रखी है, वो आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का है, लाल पत्थर से बनी मूर्तियां ज्यादातर कहां से मिली है। यानी दोस्तों ज्यादातर मूर्तियां जो है लाल पत्थर से बनी हुई है, तो वो मिली कहां से है, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा
डी दोस्तों उपरोक्त सभी, खोखरा कोट दोस्तों, रोहतक, सांगेल, सोंद, ठीक है, सोंद फरीदाबाद दोस्तों। तो ये सभी से जो है हमारे लाल पत्थर से बनी मूर्तियां ज्यादातर इनसे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यमुनानगर पहले किस जिले का हिस्सा था, बात की गई दोस्तों यमुनानगर की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा ए अंबाला दोस्तों। यमुनानगर पहले किस जिले का हिस्सा था, तो वो था दोस्तों अंबाला से। और अंबाला से रिलेटेड कई क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे उपकरणों का शहर से रिलेटेड पूछा जाता है, जोहराबाई गजल गायिका का संबंध यहीं से दोस्तों, और यहाँ पे जो है एक टाइप से इसको इसके अंदर जो है नदी भी जो है बहती है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हरियाणा के जिनके अंदर जो है कोई नदी नहीं बहती, जैसे हमारा रोहतक जिला है, ठीक है, जींद जिला है, इनके अंदर दोस्तों कोई नदी नहीं बहती, और नदी नहीं बहती और बहती है, ये भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो जरूर कवर करें। चंदन की नकाशी के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है, चंदन की नकाशी दोस्तों प्राचीन काल से, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों, झज्जर को चंदन की नकाशी के शहर के जो है प्राचीन काल में जाना जाता है। विजातीय दोस्तों यानी दोस्तों सबसे अलग कौन सा है इसमें, वो आपको चुनना है, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए दोस्तों ओढ़नी। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन की स्पेशल एक हम वीडियो जो है जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है, बात की गई दोस्तों चैत्र चौदस के मेले की, ये किस जिले में लगता है, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र दोस्तों जहां गीता महोत्सव जो है अभी जो है हुआ था पीछे, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर और भी चीजें हमारी जैसे ब्रह्म सरोवर है, सनिहत सरोवर है, गीता स्थल है, ठीक है, भगवान सरोवर स्थल है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई है। और हर्षवर्धन और कुरुक्षेत्र और थानेसर से जुड़े हुए हमने जो है क्वेश्चन सारे कवर करवा दिए हैं, ठीक है, पुष्यपुत्री वंश से जुड़े हुए हर्षवर्धन से, तो वो वीडियो जरूर देख लें आपने नहीं देखी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजराबाद खंड किस जिले के अंतर्गत आता है, बात की दोस्तों खिजराबाद खंड की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी दोस्तों यमुनानगर। खिजराबाद खंड किस जिले के अंतर्गत आता है, यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों हम बढ़ लेते हैं, भीमा देवी मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, यहाँ दोस्तों बात की गई है भीमा देवी मंदिर की, भीमा देवी मंदिर दोस्तों भीमा देवी कॉम्प्लेक्स मिंजौर पंचकूला दोस्तों, राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा बी दोस्तों 1254 के अंदर जो है भीमा देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत यानी दोस्तों वर्षा के औसत की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है। और हरियाणा का चेरापूंजी दोस्तों सचरौली को कहा जाता है, भारत का चेरापूंजी दोस्तों ठीक है मेघालय मंसीनाम चेरापूंजी वो वहां कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां गारो खांसी जयंती पहाड़ियां हैं, और जैसे ही दोस्तों 5 जून को मानसून जो है वहां से उठता है तो सबसे पहले केरल में बारिश करके और वहां से भी बहुत टकराता है, और दोस्तों दिन भर में बंगाल की खाड़ी से लहरें उठती रहती है, ठीक है, तो वो वहां पर गारो खांसी जयंती 3 पहाड़ियां हैं जहां से टकराती है और वर्षा होती रहती है। और दोस्तों ज्यादातर वर्षा जो हमारे इंडिया के अंदर है सबसे ज्यादा होती है, और हम मानसूनी वर्षा की बात करें तो केरल के अंदर ज्यादा होती है, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी दोस्तों 40 से 60। और वैसे दोस्तों रियल में अगर आंकड़ा पूछा जाए तो आप 45 सेंटीमीटर की बारिश जो है हरियाणा के अंदर होती है, और सबसे कम बारिश दोस्तों आप हमारे जो है पंचकूला का भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है, बात की गई दोस्तों सोम नदी की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी दोस्तों गग्गर, ठीक है, और गग्गर दोस्तों फतेहाबाद जिला हिसार, ठीक है, यहां से बहती है जो टोहाना के अंदर प्रवेश करती है, और दोस्तों डागशाही हिमाचल प्रदेश से जो है डागशाही से निकलती है, काफी अच्छे क्वेश्चन उससे भी दोस्तों उठाए जाते हैं घग्गर नदी से, और घग्गर नदी भी जरूर करें दोस्तों। हरियाणा की दोस्तों 4 नदियां 5 नदियां हमारी शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, और हमारी 4 नदियां अरावली पर्वत श्रेणी जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी पूरी इंडिया की मानी जाती है, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है, और काफी अच्छा क्वेश्चन वहां से भी हो सकता है बन जाए, तो वो भी दोस्तों जरूर कवर कर लें। और शिवालिक की दोस्तों नदियां आपको पता ही है, टांगड़ी है और उसके बाद दोस्तों मारकंडा है, मारकंडा के बाद घग्गर है, उसके बाद यमुना है, और सरस्वती दोस्तों अब विलुप्त हो चुकी है, तो प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है, तो प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर की अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा रहेगा डी दोस्तों, यमुनानगर को प्लाईवुड जो हमारे प्राचीन काल की अगर बात करें तो प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक टिम्बर मार्केट थी जिसका पुराना नाम जो था वो अब्दुल्लापुर था, जो अब चेंज कर दिया गया है टिम्बर मार्केट, तो दोस्तों हो सकता है वहां से भी जो है क्वेश्चन उठा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, एक दोस्तों वेद गांधी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यमुनानगर से पूछा गया था, हरियाणा का अर्थ क्या है, यानी प्राचीन काल में अगर हरियाणा के अर्थ की हम बात करें तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा
ए हरियाली। हरियाणा का दोस्तों अर्थ क्या है, सिंपल सी भाषा में हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा की जलवायु विशेष रूप से किस फसल के लिए अच्छी है। हरियाणा की दोस्तों जलवायु की हम बात करें तो वैसे दोस्तों जलवायु चेंज होती रहती है, लेकिन आमतौर जो मुख्य जलवायु हरियाणा की है वो किस फसल के लिए उपयोगी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, गेहूं दोस्तों। और गेहूं कौन सी फसल है दोस्तों, रबी है, कौन सी फसल है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे गेहूं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाकड़ा नहर द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। दोस्तों बाकड़ा नहर जो हमारे सतलुज यमुना लिंक पर जो है बांध बनाकर जो है निकाला गया है बाकड़ा नहर, और काफी नांगल बांध बनाकर काफी अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। और यहां से भी दोस्तों इससे भी जो है छोटी छोटी नहरें और भी निकाली गई है, तो जैसे हमारी एक रोहतक के अंदर नहर जाती है छोटी सी, उसकी नहर जो है वो नहर जो है बाकड़ा नहर से निकाली गई है। तो दोस्तों दो तीन नहरें इसी से बाद में और निकल जाती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों सिरसा हिसार फतेहाबाद के अंदर बाकड़ा नहर से जो है वो सिंचाई की जाती है। एक दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर है, और एक दोस्तों हमारी और है गुड़गांव नहर, ठीक है। तो ये दो तीन नहर है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, और जिसकी हमने अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा रखी है, अगर इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो राज्यपाल जिला मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है किसकी सहमति पर, तो किसकी सहमति पर जो है राज्यपाल जिला मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा सी, प्रधानमंत्री के सहमति पर दोस्तों राज्यपाल मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुरु की राजधानी 16 जनपदों में से एक थी। कुरु की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा ए, इंद्रप्रस्थ। दोस्तों कुरु की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी, तो इंद्रप्रस्थ। ये पांच प्रस्थ है दोस्तों, स्वर्णप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो काफी फेमस रहे हैं ये स्वर्णप्रस्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रभाकर वर्धन राजवंश के प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की। तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन जो अपने राजवंश का प्रथम राजा था, और जिसके पुत्र का नाम जो था वो था दोस्तों हमारा हर्षवर्धन। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, थानेसर दोस्तों, ठीक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका हमारा, थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। बात की गई दोस्तों आधुनिक युग के कवि की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा सी, मस्तराम को दोस्तों आधुनिक युग के कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यहां बात की गई दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा सी, राज्यपाल। और राज्यपाल से जुड़े हुए हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों लाजमी है, पूछे जाते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, और राज्यपाल की सैलरी क्या होती है, और राज्यपाल की न्यूनतम आयु क्या होती है, और ये रिटायरमेंट कब होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो राज्यपाल से इतने क्वेश्चन दोस्तों आप हमें जरूर बताओगे। वैसे राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान जो है नहीं है। बाकी दोस्तों इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी सैलरी क्या है, जो इनकी जो है इनकी आयु क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और इनकी जो है रिटायरमेंट की। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप हमें जरूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौजवान भारत सभा की स्थापना कहां पर हुई। बात की दोस्तों नौजवान भारत सभा की स्थापना की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा सी दोस्तों, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी। बढ़ लेते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईख की खेती के रचनाकार है, ईख की खेती के, तो हरियाणा के प्रथम उपन्यास दोस्तों झाड़ू फिरी के रचनाकार जो है वही ईख की खेती है, ईख खेती के है। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित है। कवि पुष्पदंत से बात की गई है, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा बी, जैन से दोस्तों, ठीक है, जैन पंथ से संबंधित है कवि पुष्पदंत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है। यहां दोस्तों बात की गई मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन हमारा ए, टांगड़ी दोस्तों, ठीक है, टांगड़ी मोरनी पंचकुला, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। मारकंडा भी हमारी शिवालिक की नदी है। तो आज का दोस्तों एक टाइप से हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम दोस्तों योजना किससे संबंधित है। यहां बात की गई दोस्तों योजना की, तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए दोस्तों, खेल प्रतियोगिता से। तो बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम संबंधित योजना किसे है, खेल प्रतियोगिता से। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किए। कैसी लगी वीडियो, एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।